हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए जिन्होंने हमें दिए कि हम इस सुंदर दिन में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारों, प्रार्थना में जाने से पहले मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते यमरिया की किताब 29 अध्याय के 11 पद, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यानी कि परमेश्वर यहोवा अपने दास से, अपने बेटे से, अपने बेटी से, जितने भी लोग उनसे प्रेम करते, जितने भी लोग अपने घुटने टेक करके उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके विषय में ये वचन कहता है कि जो चीज़ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमसे मांगने से भी ज़्यादा वो हमारे बारे में सोच करके रखे है, और वो देने के लिए हमारे ऊपर तत्पर रहते हैं। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे विषय में सोच करके रखा हूँ वो हानि करने वाला नहीं है, बल्कि वो कुशल की होती है और अंत में तुम्हारी आशा भी पूरा करूँगा। हाँ, जो कुछ भी हम मांगना चाहते हैं परमेश्वर से और मांगते हैं, वो परमेश्वर यहोवा हमारे लालसाओं को, हमारे विचार को, हमारे समझ को, हमारे सोच को वो जानते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, बल्कि हमें मांगने से भी ज़्यादा देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो इस सुंदर समय में, इस सुंदर दिन में हम उनको धन्यवाद देंगे इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए, क्योंकि ये वचन हमारा जीवन की रोटी है। इस रोटी को खाने के लिए तत्पर रहने की ज़रूरत है, और तत्पर रहने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। तो आइए हम इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हाँ, जिस तरह से आपके पवित्र वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, ये हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे हृदय के पटरी पर लिख दे और प्रभु हमारे जीवन में तू लागू कर, ताकि हम प्रभु आपके इस वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए और गवाही देने वाले होने पाए। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो राजाओं के राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से जो आपने प्रभु हम लोगों को प्रभु जी जीवन दिया है। प्रभु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया, सुंदर दिन के लिए जो आपने प्रभु जी एक बार फिर से हम लोगों के दिन देखने के लिए दिए, ताकि हम इस दिन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा करें और आपके नाम की प्रशंसा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, जिस तरह से आपने जीवन दिया पिता, इस तरह से प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी हम लोगों को आगे की ओर बढ़ाते हुए प्रभु जी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु जी, इस अवस्था में जाते हैं प्रभु जी, हर एक अवस्थाओं में प्रभु जी बचा करके रख करके प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाने में प्रभु जी हम लोगों को सक्षम कर खुदावन खुदा। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए प्रभु जी और प्रार्थना करते हुए प्रभु जी उन सारे मेरे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में मिल करके अभी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, इनके प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, इनके इच्छाओं को जानिए प्रभु जी, और इच्छा को जानते हुए प्रभु जी प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी आप इन्हें उत्तर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन खुद कहता है प्रभु जी, यदि हम कितनों भी मांग लेते हैं प्रभु जी और हमें मांगने से भी ज़्यादा हमें देने वाला आप है प्रभु जी, और हमारे हृदय को जांचने वाला आप है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु जी हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, विनती कर रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु जी उनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या समस्या प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, और साथ ही
साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी कॉमेंट के जरिए प्रभु जी हमारे पास प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और जितने भी लोग नहीं दिए प्रभु जी हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु जी अभी हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ में हमारे आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु जी, जिस अवस्था में होंगे प्रभु जी, जिस हालात में होंगे प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी हर एक तरह से बचा करके रखना प्रभु जी, तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह की समस्या से प्रभु जी बचा करके रख और रखते हुए प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चलना प्रभु जी, ताकि फिर से प्रभु जी हालेलुया हमारे साथ में होकर के प्रभु जी हमारे आवाज़ों के साथ मिला करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खास के लिए प्रभु जी उन सारे मेरे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया कमेंट के जरिए प्रभु जी हालेलुया हमारे बीच में प्रभु जी अपने प्रार्थना विषय को शेयर किए हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते ममता देवी के लिए प्रभु जी, उनके दांतों में प्रभु जी हालेलुया, ममता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि उनके दांतों में प्रभु जी प्रॉब्लम है प्रभु जी, कुछ दिक्कत है प्रभु, कुछ परेशानी है प्रभु जी हालेलुया, के दांतों में प्रभु जी हालेलुया कुछ फर्क होने के कारण प्रभु जी दांत दर्द करती है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके मुंह के दांतों को प्रभु जी हालेलुया अब ठीक कर दीजिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी जहां पर गैप हो प्रभु जी वहां पर प्रभु जी एक अच्छा दांत देना, ताकि प्रभु जी हालेलुया दांतों को प्राप्त करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया, ममता जी के जीवन को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, ममता जी के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन्हें भी प्रभु जी आप हर एक तरह से बचा करके रख प्रभु जी, तरह तरह के रोग से, तरह तरह बीमारी से बचा करके रखना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ इनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके माता पिता भाई बहन जितने भी लोग प्रभु जी होंगे प्रभु जी इनके फैमिली में प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिस तरह से अपना प्रार्थना विषय प्रभु जी कॉमेंट के जरिए हमारे पास विदा किए प्रभु जी, उनको प्रभु जी प्रार्थनाओं को हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी उनके विषय को प्रभु जी तू सुन और प्रभु जी उत्तर दे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी उत्तर देने वाला पिता तो आप है प्रभु जी, हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता तो आप है प्रभु जी, कृपा करके प्रभु जी आप उन्हें सहायता मदद करते हुए लेकर के चले प्रभु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते जो कि आपने प्रभु हमारे ममता बहन के प्रभु जी प्रार्थना को सुना प्रभु जी हालेलुया, इनके उनके रिक्वेस्ट को सुना और उन्हें चंगा किया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया अजय कुमार गुप्ता जी के लिए प्रभु जी हालेलुया, जो कि हमारे साथ में प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी कमेंट के जरिए प्रभु हालेलुया कुछ प्रार्थना विषय शेयर किए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अजय कुमार गुप्ता जी के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, प्रभु हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी, और साथ ही साथ प्रभु उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके रखते पिता, उस तरह से प्रभु जी हालेलुया अजय कुमार गुप्ता जी के परिवार को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके हम छुपा लेते हैं प्रभु जी, और उनके भी जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कृपया करके प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी हर एक तरह से बीमारी से लेकर के जाना प्रभु जी, उनके परिवारों में प्रभु जी अपनी आशीष दे प्रभु जी, अपनी करुणा दे प्रभु जी, अपनी कृपा दे प्रभु जी, अपनी भलाई दे प्रभु जी, अपनी दया दे प्रभु जी, अपनी शांति दे खुदावन प्रभु जी, उनके परिवारों में प्रभु जी और उन्हें प्रभु जी जो अगर काम करते होंगे प्रभु जी अजय कुमार गुप्ता या पढ़ाई करते होंगे प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी अपने हर एक बल बुद्धि ज्ञान से भरते हुए प्रभु जी और उनके बिजनेस में प्रभु जी आशीष देते हुए प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चलिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दीपक साहू जी के लिए प्रभु जी, जो कि उनके शरीरों में प्रभु जी दिक्कत होगा प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दीपक साहू जी के लिए प्रभु हालेलुया, जो कि उनके कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है प्रभु जी हालेलुया, कुछ मनी प्रॉब्लम है प्रभु जी हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके भी परिवार में प्रभु जी अपने आकाश के झरोखों को खोल करके प्रभु जी अपनी आशीष दे, ताकि प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ जहाँ वो जाते प्रभु जी, जिस अवस्था में जाते प्रभु जी, जिस काम के लिए जाते प्रभु जी, उन्हें भी आप प्रभु जी संग साथ रख प्रभु जी, और प्रभु जी उनके कामों में सहायता मदद करते हुए प्रभु जी हर एक तरह से बचा करके रखना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया राकेश तिर्की के लिए प्रभु जी हालेलुया, जो भी वो भी प्रभु जी अपने परिवार के लिए प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, राकेश जी के परिवार को आपके हाथों में समर्पित
समर्पित करते हैं प्रभु जी, समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन्हें भी परिवार को प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाना खुदावर प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु इनके परिवारों में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या समस्या है प्रभु जी, लेकिन प्रभु हमारे पास प्रभु जी परिवार के लिए प्रार्थना विषय आए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तरह तरह के रोग से बचा करके रखना प्रभु जी, तरह तरह के बीमार से बचा करके रखना प्रभु जी, तरह तरह के शैतानी हरकत से बचा करके रखना प्रभु जी, और इनके राकेश जी के परिवार में प्रभु जी अपनी आशीष दे प्रभु जी, अपने कृपा दृष्टि भी बना बरसाए हुए लेकर के चल प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कि आपने एक बार फिर से प्रभु जी इनके परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके रखते पिता, उस तरह से प्रभु जी इनके परिवार को प्रभु जी, राकेश जी के परिवार को प्रभु जी आप संभाल करके रखना प्रभु जी, तरह तरह की हर एक समस्या से बचा करके रखना प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया आशा यादव जी के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु आशा यादव जी के ससुर जी की तबीयत खराब है प्रभु जी। हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु जी उनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप तो जानते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके छांगा कर दे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप डॉक्टर का डॉक्टर है प्रभु जी, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हर एक लोगों के प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाला आप है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम जो कुछ भी इस पृथ्वी से कहोगे, यदि तुम्हारे अंदर राय के दाने के वो बराबर भी विश्वास है और इस पहाड़ से कह देगा कि जा समुद्र में चला जा तो वो हो जाएगा। हाँ प्रभु, हमारे विश्वास के कारण प्रभु जी, और प्रभु जी इनके विश्वास के कारण प्रभु जी इनके ससुर जी की तबीयत को प्रभु जी ठीक कर दे प्रभु जी। प्रभु जी इनके ससुर जी की तबीयत में जो भी प्रभु जी हालेलुया दिक्कत है प्रभु जी, जो भी बीमारी है प्रभु जी, जो भी दिक्कत परेशानी रोग शैतान है, क्यों ना प्रभु जी यीशु नासर के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी आपके पवित्र लहू प्रभु जी इनके अंदर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदावन खुदा जेनसन जी के लिए प्रभु जी, उनके ब्रदर के और भाभी के लिए गोदों को प्रभु जी भर दे खुदावन प्रभु जी, जो कि प्रभु हालेलुया अपने संतान के लिए प्रभु, उनके संतान के लिए प्रभु यहाँ पर प्रार्थना भी से दिए। हाँ प्रभु, जिस तरह से आपने प्रभु जी सामुएल को दिया प्रभु जी हालेलुया, जिस तरह से हालेलुया आपने प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी हालेलुया आवाजों को सुन करके प्रभु जी उनके आंसुओं को पोछा प्रभु, इसी तरह से प्रभु जी हालेलुया जेनसन जी के भाई और बहन के भाई और भाभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी एक गिफ्ट देते हुए प्रभु जी, संतान के देते हुए प्रभु जी उन्हें आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चल प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी असंभव को संभव करने वाला पिता आप है प्रभु जी, जिस बात को जिस प्रभु जी कठिन को कठिन करने वाला पिता आप है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके प्रार्थना को सुन और विश्वास को सुन देखते हुए प्रभु आगे की ओर बढ़ाना प्रभु जी हालेलुया, उनके प्रभु जी हालेलुया गोदों को भर दे प्रभु जी हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु जी सामुएल के माता पिता को प्रभु जी आपने भरा प्रभु जी सामुएल को देख करके प्रभु, उसी तरह से प्रभु जी इनके भी भाई भाभी को प्रभु जी हालेलुया तो ब्लेसिंग दे प्रभु जी, आशीष दे खुदावन प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अजय कुमार गुप्ता जी के लिए प्रभु जी, इनके मम्मी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो हमारे पास विषय दिए प्रभु जी, इनके मम्मी के अंदर पर जो भी बीमारी है, जो भी समस्या पर, जो भी दिक्कत है प्रभु जी हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु इनके मदर को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके मदर के अंदर जो भी दिक्कत परेशानी रोग शैतानी का जो भी बीमारी क्यों ना प्रभु जी, जिस किसी से प्रभु जी परेशान क्यों ना, अगर बोझ क्यों ना प्रभु, यीशु नासर के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तरह तरह के बीमार से बचा करके रखना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन्हें भी प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र लहू प्रभु जी इनके रग रंग प्रभु नस नस में होने पाए प्रभु जी, वो पवित्र लहू जो कि प्रभु हालेलुया हर एक मनुष्य को शिफा देता है और चंगाई देता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इनके अंदर प्रभु जी हर एक तरह से प्रभु तू वास कर प्रभु जी, और वास करते हो प्रभु जी इनके हर एक बीमारी को दूर कर दे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी डॉक्टर का डॉक्टर वैद्य का वैद्य आप है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गोरखनाथ जी के परिवार के लिए प्रभु जी, उनके भी परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी हर एक लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, एक एक लोगों को प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते, कृपा करके प्रभु आप उन्हें आशीष
आशीष दे खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बीमारी से बचा करके रखना प्रभु जी, और इनके परिवार में भी प्रभु जी अपनी आशीष दे प्रभु जी, अपने कृपा दृष्टि बनाते हुए लेकर के चलना खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, सविता देश जी के लिए प्रभु जी, उनके प्रभु जी हार्ट की सर्जरी करवाना है प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु उनकी हृदय हार्ट की सर्जरी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते प्रभु उनके हार्ट में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप डॉक्टर डॉक्टर है प्रभु जी, वैद्य के वैद्य है प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रार्थना को सुनने वाला पिता आप है प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी उनके प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, और उन्हें प्रभु जी हर एक तरह से प्रभु संभालते हुए लेकर के चलना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक तरह से उनकी अगर हाथ में जो भी बीमारी हो प्रभु जी, जो भी समस्या हो प्रभु जी, सुनाश्री के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, उनके जीवन को भी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक लोगों को भी प्रभु जी, हालेलुया, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी, सारे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी, हालेलुया, एक बार फिर से प्रभु जी इन सारे लोगों के प्रार्थना विषय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इसी तरह से प्रभु जी हमेशा उनके जीवन में प्रभु जी काम करते हुए ले करके चला प्रभु जी। जितने भी लोगों के लिए हम प्रार्थना किए प्रभु जी, हालेलुया, उन सारे लोगों को छू करके चंगा किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी ये दिन देखने के लिए दिए पिता, उस तरह से प्रभु जी आज दिन भर प्रभु जी संभाल करके रखना प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु जी, जिस अवस्था में जाते प्रभु, जिस काम के लिए जाते प्रभु जी, उन सारे कामों में प्रभु जी अपनी आशीष देना प्रभु जी, और अपने स्वर्गदूत को भेज करके हमें रक्षा करते हुए लेकर के चलना प्रभु जी, ताकि फिर से प्रभु जी शाम के समय में उपस्थित होकर के प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने मेरी प्रार्थना को सुना पिता, इसलिए आपको धन्यवाद, आपको धर्मिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ध्यास ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष देवे।